रेडियो सिटी 91.1 FM पे एक बार जोरदार स्वागत करना। अच्छा नहीं करना अभी स्वागत, भाई साहब इसका पेमेंट मैं नहीं भर पाऊंगा। भाई साहब आखिरी इंटरव्यू में सारी एनर्जी निकाल देंगे। पैसा तुमने लिया, पैसा दिया, पता नहीं बाटर आटर चल रहा है। कैसे मैनेज कर रहे हो सुबह से? भाई मैं थोड़ा कॉफी पी के कोने में बैठता हूँ, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इंसान स्टैंप कलेक्टर होता है। इंसान टैजो कलेक्ट करते थे हम लोग 90s में, मैं भी करता था टैजो कलेक्ट करते थे, स्पेस जैम। ये हिंदी में मुझे नहीं पता, कलेक्ट मैं भी करता हूँ। टाइम ऐसा हो गया था, चिप्स का पैकेट खरीद के चिप्स फेंक देते थे, टैजो रखते थे, टैजो रखते थे। ये आदमी अब पॉन कलेक्टर है, मतलब अपने आप में एक, मुझे नहीं पता था आप कहां से कहां पे आ जाओगे। ये हमारा छिछोरापन है बिल्कुल। ये जो एक कलेक्शन का फॉर्म है, ये इतना रेयर है, बट स्टिल यू आर डूइंग एज सेक्सा इन दिस फिल्म, हाउ इज इट हैपनिंग? यार इट इज हैपनिंग। देखो जब वो शाहरुख सर के डायलॉग है, अगर किसी चीज को तह दिल से चाहो, तहे दिल तो नहीं होता इसमें, तो सारी कायनात तुम्हें तुम्हारी चाहत से मिलाने में जुट जाती है। इस फिल्म ने जो एक सबसे खराब चीज करी है, माँ बाप अपने बच्चों का नाम बंटी नहीं रखने वाले। आए देश पांडे भी नहीं, मेरे जितने भी बंटी अंकल है मेरे से बात नहीं करेंगे ना, मतलब कई कई चीजें इसमें इतनी अमेजिंग है। नहीं लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले, ये जो एक फिल्म है हमारी छिछोरे, ये UA सर्टिफाइड फिल्म है, सेंसर की तरफ से UA मिला है, और ये बहुत ही बिल्कुल पारिवारिक पिक्चर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक मैसेज है जो कि बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। तो हंसी मजाक करने के साथ साथ एक ऐसी खूबसूरत सी चीज आप इससे सीख के जाएंगे, हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं कई लोगों का नजरिया किसी चीज के प्रति बदल सकता है। ये इंसान मेरे डैड का आऊ है, ये है UA सर्टिफिकेट। क्या बात है, मतलब और एक और जस्ट बिकॉज ऑफ श्रद्धा कपूर है। और एक और बात, हम इंटरव्यू शुरू करने से पहले, आज शक्ति सर का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको पता है मेरा एक दोस्त था शक्ति, और एक बार मतलब शक्ति सर का नंबर भी सेव है मेरे पास, तो मैंने उनको लगा दिया। उन्होंने फोन उठाया, बोले हेलो कौन? मैंने कहा हाँ कहाँ है बे? तो उन्होंने कहा कि कौन बोल रहा है? तो मैंने कहा मैं हर्षित बोल रहा हूँ, तू कहाँ है बे? तो कह रहा है मैं शक्ति कपूर बोल रहा हूँ। और मेरी जो हालत ख़राब हुई, मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी, मैं रेडियो सिटी से बात कर रहा हूँ, वो बहुत सालों पहले आपसे एक बार ही बात हुई। तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, इट्स ओके, बहुत प्यार है, बहुत स्वीट है, बहुत बेस्ट है, बेस्ट। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी ऑफिशियली आज बोलो, श्रद्धा जी प्लीज आप भी बोल दीजिएगा, गलती से लग गया था। नहीं, वो बहुत प्यार बट छिछोरे की बात करते हैं, हमारे सामने टीम छिछोरी बैठी हुई है। यार आप लोग मतलब थैंक यू सो मच ये फिल्म करने के लिए, पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने देखी नहीं है, मेरे बड़े भाई ने देखी होंगी। उस टाइम की पिक्चर है जब वो अकेले ये सारी अय्याशियां कर रहे हैं। झूठ बोल रहे, इनको लगता है 2000 के बच्चे हैं, मैं मानती ही नहीं हूँ। 2000 का बच्चा नहीं हूँ मैं, इंजीनियरिंग का नहीं हूँ मैं, हॉस्टल नहीं गया हूँ। तो मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि मैंने वो कॉलेज वाला सीन मिस किया है। ऐसे तो कोई फॉर्मूले हमने अपने ट्रेलर में नहीं बताए जो आपको नहीं पता होंगे पाजी, ऐसी तो कोई थीसिस हमने नहीं बताई। क्यों श्रद्धा, हमने कोई ऐसी थीसिस या कोई फॉर्मूले तो नहीं बताया। जॉनी सिंस के भक्तों से बात नहीं कर रहा। जॉनी सिंस नहीं जानते आप? बिल्कुल जानता हूँ मैं, पता कितना बड़ा एडमायरर हूँ उनका। अच्छा वो, हाँ अरे अपना जॉनी, अरे सिन्नू, अरे जोनू। मैं आप लोगों को श्रद्धा, आप जितने एंथुसियास्टिकली उनको जान पहचान कर रही हैं, गूगल करी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा अरे बहुत सबसे बड़े पॉइंट स्टार, क्या बात कर रहे हो जॉनी सिन्नू, क्या बात कर रहे हो, नहीं जानते। तुमने तो मतलब आगे से भी एक्सीडेंट कराया और पीछे से भी और साइडों से भी। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि बहुत अमेजिंग फिल्म जो लग रही है छिछोरे में, क्या आप लोग की जिंदगी में भी ऐसा रहा है क्या, जब कॉलेज वॉलेज में पढ़ते थे वो एक ही लड़की होती थी उसमें महा क्रश होता था, मतलब ऐसा सबको साथ में ही क्रश होता था, महा क्रश होता था, सामूहिक क्रश। भाई मैं ओरिजिनली दिल्ली का हूँ, तो छिछोरे तो वहाँ के होते ही हैं सब लॉन्डे, और सिर्फ कॉलेज में नहीं, हम तो स्कूल से ही वैसे रहे हैं। एंड हाँ, हमेशा एक वो लड़की होती है जिससे
आपको भी प्यार होता है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि पांच सीनियर्स को भी उसी से प्यार होता और है। सब लोग अपने अपने तरीके की स्टोरी बता रहे होते हैं। हाँ, exactly. तेरे साथ तो बात ही करी, मेरे साथ हाथ मेरे साथ वही हाँ कल पता है उसने सीट चेंज करके मेरे साथ वाली सीट में बैठ गई थी, तो लगता है मेर से मांगे उसने नोट्स। हाँ मतलब वो वाला होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लड़कों ने ना ऐसी खूबसूरत लड़कियों के लिए नोट्स प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। क्या आप इसे कोई आई डोंट नो पर सुना है कुछ बच्चे करते थे ऐसे स्कूल में, मैंने भी सुना। क्या आप भी हुस्न से एक्सप्लॉइट हुए? नहीं, मेरे वो क्या था उसका डायलॉग, शिक्षा पे हार्मोन हावी नहीं हुए। ये जाकिर खान का डायलॉग। क्या जाकिर ने नहीं बोला था उसको? शिक्षा पे हार्मोन हावी हो गया। बट भाई आप कैसे थे स्टूडेंट, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था पाजी, मेरे 98.75 आते थे। मजाक करो, बट हरकतें आपकी मेरी जैसी है, नंबर आपके मेरे। नहीं लेकिन मेरा एक कुदरत ही है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे कुदरत ही ना स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर हिस्ट्री में आते थे, पता नहीं क्यों। अच्छा, पता नहीं क्यों, मतलब काकुरी केस तो ऐसे घुसा हुआ है अंदर, और मतलब पता नहीं क्यों हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर आते। मैं खुद शॉक हो जाता था, हिस्ट्री में कैसे आ सकते हैं मेरे इतने ज्यादा नंबर। तो बट मैं स्टूडेंट अच्छा था यार, प्लेफुल सा था मैं बड़ा, और बचपन में मैं लड़कियों से स्लैम बुक भरवाता था, तो उसमें आता था उसमें नंबर मिलता था और एनिवर्सरी और क्रश का आगे लिखा होता था। तो मैं कहा बाकी पन्नों की बातें छोड़ो, सबसे पहले इसकी बात करो, इस पे क्या लिखा है। तो बहुत स्लैम बुके भरवाई हैं। और बहुत आप स्टूडेंट ही हो, मतलब आप वैसे से ही हो, सारी चीजें आपकी इर्द गिर्द एकदम स्टूडेंट ही हो। अभी बॉन्ड पना वाला बॉन्डिंग आपकी फिल्मों में दिखता है। और इंटरेस्टिंग बात है कोई आपको कभी नॉर्मल नाम मिला ही नहीं कैरेक्टर को। मैं पूछ रहा हूँ विनोद, राजेश, महेश। मुझे लगता है मैं जिंदगी में राहुल और सुधीर कर ही नहीं सकता। मेरे को कोई देगा ही नहीं, मतलब मेरे को ऐसा फीलिंग आती है आई थिंक। और ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मेरे से इतने लोग पूछते हैं कि भाई तू कहाँ से सोचता है नाम, कैसे तू बोलता है, क्या होता है। मैं कहता हूँ भाई मैं कुछ, मैंने आज तक कभी भी किसी की कैरेक्टर, बेशक वो चूचा हो फुकरे का, वो सिद्धू हो दिलवाले में, वो अनिडा सिंह हो अर्जुन पटियाला में, या सेक्सा हो छिछोरे में, भूषे तो मतलब, और अगली जो फिल्म है उसमें भी अतरंगी नाम ही है। और मेरे मैं जेन्युइनली कोई नाम नहीं ऐसे अतरंगी सोचता है कुछ है, मेरे को मिलते हैं अपने आप। मतलब कहने का ये है कि आप बहुत ही मॉडेस्टी से कह रहे हो, आपके लिए रोल्स लिखे जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हां वही कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बस श्रद्धा यू आर एक्चुअली प्लेइंग पूरे इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहते हैं एक डेजर्ट में ओएसिस वाली बात की। डेजर्ट में ओएसिस, तो आपको क्या, बाकी बातें ठीक है, ओएसिस होता क्या है मेरे को ये नहीं पता। अच्छा आप भी वैसे बैंड है, उनके गाने काफी अच्छे हुआ करते थे, वंडरवॉल वगैरह, ओएसिस है। नहीं नहीं पाजी मैं पंजाबी में हार्डी संधू, दिलजीत दोसांझ। हार्डी संधू अच्छा लड़का है। कर लेना प्लग इन, 83 कर रहे हैं ताहिर राज भसीन, हार्डी संधू के साथ गावस्कर साहब बने हैं, हमें पता है। एक ही फिल्म में एक का प्लग मार गया पांच फिल्मों में, सेट में एक गावस्कर भी थे, एक धोनी भी थे, मतलब एक सामने साहो बैठा हुआ है, मतलब इतना। छिछोरे आ गया, 6 से उसकी बात कर ले, चलिए छिछोरे की बात करते। बट श्रद्धा मुझे ऐसा लगता है जब मैंने हसीना पारकर का ट्रेलर देखा था, आई एम टेलिंग यू कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इसमें तो कुछ तो भी इतना बड़ा बम फूटने वाला है, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। हाँ, क्या बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। क्या वो फिल्म आपको वो उस टाइम का टफ फेज याद है, एंड देन उसके बाद स्त्री आई, और स्त्री के बाद से श्रद्धा 2.0 है। हाँ, ये श्रद्धा 2.0 है। अरे मुझे वो 2.0 और वो सब बिल्कुल पता नहीं यार, बस अच्छी फिल्मों का हिस्सा बन चुकी हूँ, बनना चाहती हूँ बस। बट एक बात है श्रद्धा, हमने अभी फिल्म देखी है भाई 2 दिन पहले, पहली बारी लाइफ में। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे ऐसा पर्सनली एज एन एक्टर, एज एन ऑडियंस एंड एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है छिछोरे इज श्रद्धा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज आई पर्सनली फील। आई हैव लव्ड हर इन स्त्री, मतलब जो उन्होंने काम किया था उनकी सारी फिल्मों में, बट इसमें जिस तरह से बखूबी उन्होंने 20s की एज ग्रुप में कॉलेज का वो समा लाए हैं, और जिस तरह से उन्होंने डाइवर्स करा है मिडिल एज, जो 40s की भी एक एज ब्रैकेट है, आई थिंक आप देखोगे यू विल बी ब्लोन अवे, दैट्स व्हाट आई फील। बट क्या कंप्लीटली अग्री, आई वाज टॉकिंग टू श्रद्धा आज सुबह, एंड एक होता है एक तरह की एक्टिंग होती है जब आप क्या कह रहे हैं कि मैं श्रद्धा के ज्यादा पास जाऊं, मैं तो चाहता हूं कि आप माइक पे ये बोले ताकि लोगों को पता लगे कि मैं ताहिर अब श्रद्धा के थोड़ा और करीब आ जाए, रिकॉर्ड नोट किया। तो मैं इन्हीं सुबह बोल रहा था, एक तरह की एक्टिंग होती है जब आप बहुत करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वे कि आप क्या फील कर रहे हैं, और दूसरी होती है एक इंटरनल। और श्रद्धा ने जो मच्योर जो कैरेक्टर इसमें प्ले किया है, जो मिड 40s का है, उसमें जो एक इंटरनल किया है, आई रियली फेल्ट इट जब मैंने फिल्म देखी, एंड आई होप इट ट्रांसलेट्स टू द ऑडियंस एज वेल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, आई थिंक कि
co-stars अगर आप के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोलते then you feel very good. पर I think कि ये हम सब के लिए जो फिल्म है ना, ये बहुत, हम सब बहुत लकी हो गए कि नितेश सर के साथ काम करने का मौका मिला. आई थिंक कि एज एक्टर्स एंड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म जो इतना, मतलब बहुत हमने जस्ट देखी है, बहुत प्यारी फिल्म है और ऐसी फिल्में मतलब ज्यादा नहीं आती, तो टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इट्स ग्रेट. एंड डू यू थिंक जब आप इसे फिल्म देख के निकलते, प्रमोशन भी एक अलग टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, यू फील कि ये जो फिल्म सभी आसमान का है ना. ऑल्सो सर आई पर्सनली फील भाई कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है, बट हम पूरी जो टीम है, हमारे कुछ सदस्य यहाँ पे भी है नहीं, वो अपना अलग प्रमोशन भी वहाँ पे चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, बिकॉज तीन दिन रह गए हैं, तो सारे अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं प्रमोट करने का. बट आई थिंक एज एक्टर्स, एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, एज अ पार्ट ऑफ द गैंग, वी वर सो कॉन्फिडेंट एंड वी वर सो हैप्पी राइट फ्रॉम द स्क्रिप्ट लेवल एंड व्हाइल वी वर शूटिंग, बिफोर वी हैड इवन सीन द फिल्म, द एंथुसियाज्म एंड द एक्साइटमेंट वॉज अनदर लेवल, बिकॉज देर इज टू मच हार्ड वर्क दैट्स गॉन इन टू मेकिंग छिछोरे, देर इज अ लॉट ऑफ effort and passion that's gone into making Chhichhore and a lot of honesty which is there. So now all of that, jab wo ek screen pe replica film hoke wo aa raha hai wahan pe, aap khud hi soch sakte hain ki sabki excitement kitni hogi, because pichle 1.5 saal humne 1 saal pehle is project ke sath associate hue the, Nitesh sir aur unki jo team hai wo kitne usse bhi pehle se jab writing start hui, to kitni excitement hogi is pure 2-3 saalon ki unke andar aur hamare andar as actors jo pichle 1.5 saal se associated hai, to wo alag level hi kuch chal raha hai. आपने बोला है कि और आफ्टर मर्दानी फोर्स टू प्लेइंग द नेगेटिव लीड और मतलब हीरो को बड़ा हार्ड टाइम हो रहा था, व्हेन यू कम इनटू छिछोरे एंड यू मेक अ स्टेटमेंट कि दिस वाज योर मोस्ट डिफिकल्ट रोल, हाउ कम इज दिस द मोस्ट? आई टेल यू व्हाई, बिकॉज हर जो पहली फिल्म करी है उसमें एक डेफिनेट शेड रहा है. इसमें जब मैं आया तो डेरेक जो मेरा कैरेक्टर है, जैसे कि ट्रेलर्स में देखा होगा, वो बहुत स्पोर्टी है, वो एक तरह से उस कॉलेज कॉरिडोर का दादा है. That's the opposite of the personality that I am. I'd probably be the most shy person in the room. Sporty mein tha, par main basketball khela karta tha. Isme main basketball ke alawa har sport khel raha hu. To 5 mahine ki 4 days a week with national coaches, alag alag sport mein rehearsal aur practice hua karte the. National coaches ke saath? National coaches. End mein, matlab kuch film ke dauran trailer mein ek shot tha running ka, wo jo shot kiya gaya, national level ke runners hamare saath, under 19, like, jo college ke national hai, they have actually competed with us. So, and Nitesh sir, after Dangal, was very clear that I want authenticity. Woi shot, agar, matlab, koi aur agar kar raha hota, it's very possible ki aap body double ke saath nikal lo. Correct. Running, aapne feet dikha diye, aur end mein face dikha diya actor ka. Par jo shots aap dekh rahe hain, chahe wo basketball ho, kabaddi ho, running ho, wo we have trained for 5 months. Matlab, you can't work on anything else because your body is going through a transformation and we've done that. And सीरियसनेस था पार्ट में, पर आपको ये माइंड में रखना है कि दिस इज अ कॉलेज फिल्म, तो अल्टीमेटली उस सीरियसनेस में भी मजाक है, तो उस तरह से लेयर्स. मुझे आपके लिए लगता है कि यू आर वेरी अनटच्ड टैलेंट, मतलब आपके अंदर वो नहीं, नहीं यार मैं चाहता हूँ टच होना, वही मैं जानना चाहता हूँ कि आर यू वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्ट्स, या फिर आप प्रोजेक्ट्स जब देख रहे हो? फॉर मी अ फिल्म इज लाइक अ रिलेशनशिप यार, सो इट्स लाइक आस्किंग समवन विल यू बी चूजी अबाउट अ गर्ल दैट यू गो आउट विद. सो I am like, if I'm, मतलब ये मैं रिहर्स नहीं है भाई, अभी आया मेरे को, इससे स्टोरी बना लीजिए प्लीज. तो नो, मैंने तो इसका मतलब बड़े फीलिंग्स करे. बट जैसे छिछोरे जैसी फिल्म, अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद ना आए, को एक्टर्स पसंद ना आए, डायरेक्टर पसंद ना आए, हमने ऑलमोस्ट 1 साल बिताया है वो फिल्म करते हैं, तो 1.5 साल, तो इफ यू डोंट एंजॉय दैट प्रोसेस देन इट्स, सो आई वोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग वेयर आई एम, एटलीस्ट फॉर मी द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ डूइंग अ फिल्म इज व्हेन यू आर ऑन सेट, व्हेन यू आर इन द मेकिंग, क्योंकि अभी इट्स लाइक एग्जाम खत्म हो गया, हमें बस लोगों का रिएक्शन देखना है. एक्चुअली वही है, एग्जाम हमने दे दिया, अभी रिजल्ट आने वाला है. लोग पता नहीं, जब हम ऐसे स्क्रीनिंग के लिए जा रहे होते तो बोलते बेस्ट ऑफ लक यार, वी डोंट नीड लक नाउ, नाउ इट्स अप टू द ऑडियंस वेदर, हमें जो लक चाहिए होता है वो एक्शन और कट के बीच. क्या बात है, वो है ना, आज कहां से ये लंदन से आया, लंदन से आया, इंटेलिजेंस पूरी लंदन से आई है भाई, ये मतलब अभी जाओ एक सेकंड, मेरे फर्रे खत्म हो गए. जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और वो कॉलेज लाइफ जो पेपर में लिखी हुई थी और आप रिलिव करने वाले थे, तो 1 साल बाद मैंने ड्रॉप आउट किया, तो जो भी मैं 1 साल में कर पाई, कर सकी मैंने, वो
किया पार्टी शार्टी थोड़ा सा कुछ बताइए पार्टी शार्टी थोड़ा सा यू नो मिसिंग क्लास एंड गेटिंग फेलिंग इन सब्जेक्ट और वो सब होता था तो एक साल पर ऐसा कभी कभी लगा कि यार अगर पूरा कंप्लीट करती ना तो वो पूरा कॉलेज का एक्सपीरियंस फील होता पर वो नहीं हुआ पर वो एक साल में जितना मजा करना था वो किया इतने सारे लड़के होते हैं इतने सारे लड़के कुछ ना कुछ पॉइंट प्रूव करना चाह रहे होते अपने कूल प्रूव करना चाह रहे होते हैं लड़कियों को तो सब दिख रहा होता है ना आप तो वो वाला पीओवी जहाँ से सब लॉन्डे एफर्ट डाल रहे हैं आपको दिख रहा है नहीं एक्चुअली उल्टा था ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे तो लगता था कि यार कोई अटेंशन दे ही नहीं रहा है मुझे हाँ आपको कुछ कहना है इस पे मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकता ये हुआ लेकिन मेरे को ना एक चीज जाननी है जनरली मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ मेरे को ये नहीं समझ आता मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को लाइक करता है लड़की को पता तो होता होगा कि वो लाइक करता पता है दिखता है होगा पर हर लड़की को नहीं पता लगता कोई कोई लड़कियों को पता लगता है कोई नहीं लगता एक्चुअली नहीं लगता बोलना ही ढूंढ रही है लेकिन एक बात बताऊं नहीं क्या वो लड़कियां ढूंढ रही है कोई तो नहीं लड़की बोलती है सच में ना Sometimes you know, not every time you know. मुझे लगता है कि पता चल जाता है भाई मैंने लेकिन मैंने obviously होता है तो थोड़ा पता चलता है लेकिन ऐसे लेकिन वही है जैसे मैंने आज तक कभी भी मैं ना मतलब मैं वैसा बंदा हूँ मैं किसी लड़की को लाइक कर दूंगा सालों साल लाइक कर दूंगा लेकिन कभी बोलूंगा नहीं क्यों पता नहीं पाजी अब जीन्स है मेरी ऐसे मैं क्या करूं अब तो नहीं जरूरत पड़ती अब तो लड़कियां जिन्होंने आपको लाइक नहीं भी किया होगा वो कह रही होंगी ए आई लाइक यू आई हैड समथिंग बट नहीं लेकिन ताहिर का कोई जो तार है वो जुड़ चुका है जुड़ चुका है ये बट आई थिंक नहीं यार मेरे से हुआ ही नहीं मैंने करा ही नहीं अब मेरे को लगता है कहीं एक को तो बोलना था उसकी शादी होगी हाँ हाँ उसकी शादी होगी नहीं मैं पागल हो जाऊंगा लाइव में कार्ड आया और डेस्टिनेशन थी गोवा में ओ शिट वीडियो भी तो है प्लीज डू नॉट पुट दिस तो भाई साहब दुबई में शादी हुई है उसकी मजाक है क्या मैंने सोचा इंटरनेशनल ट्रैवल हो जाएगा मेरा 12,000 रिटर्न हो गया अब तो चले ही जाना था आपको नहीं नहीं तो फिर मैं गया नहीं तो फिर बस ऐसे ही है मेरे से होता ही नहीं पता नहीं क्यों बोला ही नहीं जाता मुझे आई थिंक हाँ डर लगता है कि इस पर आपको कुछ कहना है देखिए कैसे श्रद्धा पे उन्होंने कहा व्हाट काइंड ऑफ आशिक यू वर इन कॉलेज मतलब क्या आप शाय थे ये मेरे को लगता है शायर टाइप्स वाला होगा जैसे पोएट्री लिख के स्लिक इन करता है इंटेंस था मैं और मेरे जो स्कूल और कॉलेज वो यू नहीं है जो नेटफ्लिक्स पे यू सीरीज आई थिंक तू वैसा है वो तो वो स्टॉकर है स्टॉकर पर मैं ऐसे जो भी स्कूल में नाम बोला एक लॉन्ग टर्म कॉलेज में भी मतलब एक दो साल की थी फिर एक तीन साल फिर अपने अपने माँ बाप में बता दे मेरे को बता दे माइक इधर कर दो सर एक वो लंदन वाली थी एक ब्राजील में थी फ्रांस की एक इन सबको छोड़ दे तो हाँ सिंगल हुआ तो है वो ठीक है बाकी बात है बट नहीं है अभी अभी मुझसे नहीं कोई पूछ रहा तो मैं भी नहीं अरे आपसे पूछना चाहते हैं उनको डर लग रहा है अंदर से कोई नहीं पूछ रहा तो मैं बोल रही हूँ नहीं है आपकी बाजी गर्लफ्रेंड है नहीं बाजी एम ही चूट शक्ल में दिख रहा है निरा इधर लिखा है वाई ई और इधर एस नहीं है सब सिंगल है भाई सिंगल मैं जेन्युइनली बता रहा हूं या तो हमारे दो ही टाइम या तो तू शादीशुदा हो तभी आप चुपचाप खड़े हो कोने में बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है कह रहा है ब्रो बीन देयर डन दैट डूइंग दैट बट कमिंग बैक टू छिछोरे टीचर्स डे आ रहा है परसों टीचर्स डे और आई थिंक इस फिल्म का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है बिल्कुल बिल्कुल आपकी लाइफ में वो कौन सी टीचर्स हमने सुशांत से थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्यों ऐसा होता है कि इंग्लिश टीचर पे क्रश होता है और उन्होंने बोला कि इंग्लिश बड़ी सिडक्टिव लैंग्वेज होती है जिस
जिसकी वजह से उसपे दिल आ जाता, कोई इंग्लिश बोल भी भाई अच्छा देखो अब लैंग्वेज तो सिडक्टिव वो होगी जो समझ आए मेरे को मेरे लिए वर्ड निकल गए उस टाइम पे तो फिर नहीं समझ आएगा, तो बंदे को जितनी देर समझने में लगेगी बंदे का इमोशन खत्म हो जाएगा। पर आपका किस पर था क्रश? मेरा क्रश साइकोलॉजी टीचर पे। साइकोलॉजी पढ़ते थे आप? डीप में चले गए साइकोलॉजी में। भाई साहब आप साइकोलॉजी स्टूडेंट थे? ऑफ कोर्स सर, मैं पीएचडी भी हूँ। खुद में ये पीएचडी है? खुद में मैंने खुद पे थीसिस करी है। डॉक्टर वरुण? मैं डॉक्टर वरुण हूँ। किसी ने देखा है माइक और कैमरा में मुंह पे झूठ बोलते हुए इतने प्यार से? कहाँ पे बोलूँ की झूठ बोल रहा है यार। लेकिन नहीं नहीं भाई, पीएचडी नहीं भाई, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। लेकिन मेरा जो टीचर का क्रश था आई थिंक मेरा साइकोलॉजी टीचर पे था। साइकोलॉजी बच्चे को खड़ा करके एनालाइज करते थे, मेरे को बड़ा मजा आता। मैंने कहा चल ठीक है, पूरे दिन में कोई तो मुझे 10 मिनट देख रहा है। श्रद्धा आपका कोई टीचर क्रश कुछ ऐसा? टीचर क्रश? व्हाट आर यू डूइंग? नहीं नहीं, उनपे तो बिल्कुल नहीं, उनपे तो बिल्कुल नहीं। एक हमारे टीचर थे, उनका नाम नहीं लूंगी, तो वो ऐसे बात करते थे। व्हाट्स नेम? व्हाट्स प्रॉब्लम? व्हेयर्स होमवर्क? नो होमवर्क? स्टैंड आउटसाइड क्लास, यू आर पनिश्ड। तो उनपे तो डेफिनेटली क्रश नहीं था। और बहुत जोर से बोलने लगेंगे ये देखने के बाद। नहीं, वो सर है। हाँ, तो सर है। मतलब मुझे लगा आपने कहा है लड़की, वो सर है। जेंट्स? तो जेंट्स भाई, मैंने कितनी टाइम बाद सुना है जेंट्स। जेंट्स है, जेंट्स। पर फिर मेरा ये आईसीएसई स्कूल से शिफ्ट हुआ इंटरनेशनल स्कूल में, और वहाँ पे हमारे थे थिएटर टीचर थे, तो वो बहुत क्यूट थे। तो उनपे थोड़ा सा रोमियो जूलियट करते करते इमोशन बाहर आ गया। ताहिर भाई आपका क्रश तो दूसरे टाइप का होता होगा। मतलब क्यों दूसरे टाइप का? दिल्ली से है ना, उन्होंने पहले ही बोला था। मेरे जो इंग्लिश टीचर थे अनफॉर्चुनेटली स्कूल में प्रोफेसर थे, तो वो तो था नहीं, पर उनकी बेटी थी उस टाइम पे, तो उनपे जो था थोड़ा सा क्रश था। तो काफी टाइम में डाउट्स क्लियर करने उनके घर जाता था कि सर इंग्लिश में ये समझ में नहीं आ रहा। चलो आप इतना डिजर्विंग तो थे कि टीचर घर बुला लेते, हमारे जैसे लड़के जाए तो बाहर से बोल देते। बट ये जो फिल्म है इसको करने के बाद यू नो आपने नितेश तिवारी के साथ काम किया, जिन्होंने पीछे इतनी बड़ी फिल्म दी है। सॉरी, कौन सी थी वो? दंगल, दंगल नाम की। नाम सुना ना? हाँ, तो फिल्म फेस्टिवल में ये बड़ी पिक्चर थी ना? हाँ, क्या? दो दिन है। ओ अच्छा, ऐसा है? अभी डीसीपी नहीं गया। अच्छा, अभी नहीं गया। बहुत बढ़िया फिल्म है नितेश सर की। डीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीसीपी? एक तो इतनी कोडिंग। कैमरे पे बेइज्जती हो जाएगी यार। लंबा पॉज लेके। नो, बट मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो ये फिल्म है, जो मतलब अभी क्योंकि क्या है ना कि कहीं ना कहीं नंबर्स का भी थोड़ा प्रेशर आता है, तो अभी आप लोग का कुछ ऐसा चल रहा है क्या, नर्वसनेस वाला सीन? यार सॉरी, नहीं नहीं, आई कैन ओनली स्पीक फॉर माय सेल्फ एज एन एक्टर। टू मी इट्स लाइक ऑडियंस को कितना पसंद आया, हाउ मेनी पीपल सॉ द फिल्म। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट like numbers as that much, and I honestly believe ki director, no matter what, like Dangal was an amazing film. I don't think waisi film pichle 10 saal mein Bollywood mein bani hai na banegi. Correct. Par when you take on another project, it's a new story, it's a new vision, to I personally would not want to judge it based on Dangal and see it as a new identity. For me as an actor working with Nitesh sir, jis tarah ka wo prep leke aate the, jis tarah wo ideas ko collaborate karke ki bhai maine ye likha hai, ye meri soch hai, tumhari kya soch hai, tum kya karna chahoge, aur har detail ke bare mein ki maine tere hairstyle ka ye socha hai, maine tere kapdon ka ye socha hai, tujhe kya lagta hai. To jab aadmi secure hota hai na, to wo itna collaborate karta hai, and Nitesh sir was brilliant. But aapko ye tha ki jab wo lekar aaye the, ye almost suni ki kahani hai. जब वो किससे पढ़ रहे थे, वो इंसिडेंट्स पढ़ रहे थे फिल्म के अंदर, आपको लगता है ये जो भोला चेहरा है इसके पीछे कितना कितना मतलब कांडी बचपन नहीं, बट आई विल टेल यू दिस फिल्म ना इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर हिम, एंड इट्स अ वेरी, जब भी सर हमारी हम आपस में भी अगर देखें, हमारी निजी जिंदगी का कोई एक एपिसोड या कोई एक हिस्सा जब आप किसी को बताते हैं, वर्बली बताते हैं,
तो उसके अंदर एक इंडिविजुअल की कितनी एक्साइटमेंट होती है या फिर एक इमोशन जो होता है, क्योंकि आप सीधा अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस नॉस्टैल्जिया में जाके आप उस चीज़ को एकदम विजुलाइज करके बता रहे हो उस टाइम पे। तो उनकी उनके लिए कहानी जो उनके कॉलेज लाइफ में सेक्सा एसिड अन्नी माया यू नो मम्मी बेवड़ा ये सारे किरदार उनके आस डेरेक ये सारे किरदार उनके आसपास थे, मतलब उनके सीनियर्स उनके जूनियर्स में से कलेक्टिवली उन्होंने वो किरदारों को निकाले उस जिंदगी को दिखाया। तो इसलिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है उनके लिए ये, और क्योंकि इतनी स्पेशल उनके लिए और उन्होंने भरोसा करा हम सब एक्टर्स पे वो प्ले करने के लिए, तो एक ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपको भी, आप उस एक इंसान जिसकी आप इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जिसके लिए आपको इतना प्यार है उसके लिए जो चीज़ इतनी स्पेशल है उसका हिस्सा बन रहे हो और आप वो पोर्ट्रे कर रहे हो ऑन स्क्रीन। तो बहुत ही मज़ेदार था यार ये जर्नी, मतलब एंड नितेश सर ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बींग, लाइक ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर एंड ही इज़ इन हिज लाइक प्रोफेशनल फ्रंट वी ऑल नो हाउ अमेजिंग ही इज़, बट ऑन टॉप ऑफ दैट एज अ ह्यूमन बींग ही इज़ ब्रिलियंट। लाइक वन आई ग्रो अप एंड लाइक आई कम ऑन दैट एज वेर नितेश सर इज़ राइट नाउ, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, सर्टन क्वालिटीज दैट we all would like to kind of grab yeah. from him and kind of implement it in our own lives. मतलब बहुत simplicity के साथ वो जितनी major life goals वाली बातें बता के जाते हैं ना यार उनके discussions में, वैसे इतनी देर आप पे serious बातें suit नहीं करती मैं आपको ये बता देता हूँ अरे लेकिन आपको पता है मैं बहुत deep आदमी हूँ, मैं मजाक नहीं, लोगों की हॉबी होती है ना डांसिंग सिंगिंग, मेरी थिंकिंग है। हाँ वो बताओ ना कि आप हर हफ्ता ये। हाँ मैं मेरी थिंकिंग हॉबी है, मेरे को बहुत मजा आता है सोचने में पाजी, और मैं हर चीज के बारे में बहुत सोचता हूँ मतलब, और मैं हमेशा मैं खुद से बात करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे बात कर कुछ है ऐसी, मैं हफ्ते में एक दिन निकाल के 2 घंटे वॉक करता रहूँगा और पूरे हफ्ते को एनालाइज करूँगा मैंने क्या प्रोडक्टिव करा क्या गलत करा क्या चीज़ मेरे को ज़्यादा एफर्ट लगा करनी चाहिए थी किस में मेरी कमी रहेगी क्या हो गया, फैमिली को लेके क्रश को लेके फ्लिंग को लेके कुछ भी जो भी बंदे की बात होती है मैं 2 घंटे निकाल के अपने आप से बात करता हूँ, और ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज मुझे लगती है आपकी पूरी पूरा हफ्ता, अगर आप हर हफ्ते करें पूरा हफ्ता आपका अलाइन हो जाता है पर्सपेक्टिव में, तो अलाइन हो जाता है आपको पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, तो 2-3 हफ्ते निकल के बहुत चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। वेरी नाइस बट श्रद्धा मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी क्योंकि आपके ऊपर यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रेशर होता है, नंबर्स की बात मैं इसलिए करता बिकॉज नंबर्स की बात आप सब करते हैं, नहीं बट अगर आप नहीं करोगे तो श्रद्धा आपके लिए कैसा था, बिकॉज क्योंकि मल्टी कैरेक्टर्स है, बहुत सारे और भी बड़े नाम भी हैं छोटे नाम भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं जो यू नो आगे चल के जिनका स्कोप होता है, तो जब आप मल्टी स्टार करते हो तो आपको कुछ लगता है कि यार इसको मुझे चूज करना चाहिए और प्रेशर होता है कोई? नहीं आई थिंक प्रेशर इसी बात का होता है कि यार अभी इस फिल्म में आप क्या अलग ऑफर करोगे एज एन एक्टर एज समवन हु हैज डन व्हाटएवर एक्स अमाउंट ऑफ फिल्म्स, अभी इस फिल्म में आपका काम कैसा अलग होगा, किस डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हो, तो आई थिंक कि कितने लोगों को ये मौका चाहिए कि नितेश सर के साथ आप यू नो काम करें, तो वही मतलब मुझे मैं तो मतलब नितेश सर के साथ तो पूछूंगी भी नहीं कि क्या है, तो जब आपका पहला क्या रोल है क्या है बिल्कुल पूछना ही नहीं है, बस पिक्चर में ले लो उसी में बड़ी बात है। तो आई थिंक कि हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इस फिल्म में है, और जैसे वरुण ने कहा नितेश सर जैसे इंसान को मतलब बहुत रेयरली कोई मिलता है, एंड इतने अच्छे इतने ऑनेस्ट इंसान है और इतनी ऑनेस्टी से उन्होंने काम किया है, तो हमारे लिए हम सबके लिए बहुत अच्छा है। एंड आई एम श्योर वो पार्ट निभाने में बहुत मजा आएगा जब आप 40 के ऊपर जा रहे हो, बहुत मजा वो थिंकिंग वो सब वो कैसा एक्सपीरियंस था, और कुछ ऐसा रियलाइजेशन था कि भाई ये होने वाला है अभी हुआ नहीं, और एक्चुअली सर ने ये भी कहा था कि उन्होंने हमें कास्ट किया क्योंकि हम बैंग उस एज ग्रुप के मिडिल में है, तो मतलब हम इस साइड से भी उन्होंने मेरे को बोला था बेटा तू बहुत छोटा लगता है प्रोस्थेटिक ज्यादा करने पड़ेंगे पहली बार मतलब एक ऐसे लगता है ना कि आप हीरोइन या एक्ट्रेस को ज्यादा टाइम लगता है हेयर मेकअप में लगता है, तो इस फिल्म में जब वो सेकंड एज ग्रुप सबका कॉल टाइम पहले होता था श्रद्धा का बाद में होता था, अरे इतना रिलीफ मिला इतना मतलब फाइनली ऐसे लगा कि यार इतना टाइम नहीं लगेगा अभी तैयार व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं नहीं वो भी नहीं बस जितना टाइम आई थिंक 40 मिनट्स में मैं रेडी होती थी 40 मिनट में
तो अगर रेडी 9 बजे शूट करना होता था, हम सब 5:30 बजे आके मेकअप में बैठते थे रोज सुबह, रोज एक महीने की बात है. और मैम क्या बस जस्ट इन टाइम टू बी ऑन टाइम. तो 3-3.5 घंटा ये मेकअप में लगते थे. और मतलब पहले आप आंख बंद कर लेते हो, जब खोलें तो आपका ये ट्रांजिशन हो चुका है. पहले तो वो विजुअल होता है कि यार ये क्या हुआ, मतलब सब किसी ने वेट गेन किया, किसी की मूंछ आ गई, कोई गंजा हो गया. वो ऐप आया था ना, हाँ हाँ, फेस ऐप. पर ये एक बहुत मतलब फिजिकल, यू फील दैट हैपनिंग. और एज एन एक्टर सबसे पहले तो आपकी फिजिकली थोड़ी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, कहीं की आवाज होती है, मैनरिज्म थोड़े बदल जाते हैं आपके. पर एक वो जो मेंटल रियलाइजेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि यार मतलब जो समय की अहमियत पता लगती है ना, कि यार सूनर और लेटर ये होने वाला है तुम्हारे साथ. एंड अनदर थिंग अबाउट द स्क्रिप्ट वॉज कि आपको अपना यंग सेक्शन पता है कि आप कैसे थे कॉलेज में, आपको अपना ओल्डर सेक्शन पता है कि आपके साथ क्या होने वाला, वो बीच की जो जर्नी है करेक्ट, आपको खुद मेंटली आपको प्रिपेयर करना है. कल सुबह जाके 40+ वाला शॉट देना है, उसमें लाइन बोलनी है, और उसके बाद उसका भी एक कुछ टेक बैक होता होगा, यार ये तो इसके साथ ऐसा हो रहा है. मैं सो वो सारी चीजें बहुत एक्साइटिंग. लेकिन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिस तरह से आपने आर्य के सपोर्ट में आई है. हाँ यस, रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल लाइक यू अट्रैक्ट मीडिया, पीपल लाइक यू मेक अ राइट पॉइंट. जब जरूरत होती है तो एक सही कम्युनिकेशन शुरू होता है. आई थिंक कि आपने भी ये सवाल पूछा, एक्चुअली अभी मैंने एक इंटरव्यू इसके बारे में भी दिया, और मैं सबसे ये कह रही हूँ कि ये कोई बड़ी चीज़ मैंने कुछ की नहीं है. आई थिंक कि हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इन्वायरमेंट के को सपोर्ट करें, और जो सही है उसके साथ हम स्टैंड करें. तो आई थिंक कि आप अपने लिसनर्स से भी कहिए कि आर्य एक फॉरेस्ट है और उसे हमें बचाना चाहिए. हमारे सिटी के लंग्स है वो. बिल्कुल बिल्कुल. एंड हमें उसे बचाना चाहिए, एंड व्हाटएवर वी कैन डू, जो भी हम कर सकते हैं वो करना चाहिए हमें. करेक्ट.